तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू से, चैप्टर वन से इंग्लिश का। द नेम ऑफ माई इंग्लिश बुक इज द इंग्लिश चैनल विथ निवेदिता देदादू। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एडवेंचर सेक्शन ए, पायरेट स्टोरी, जो पोयम मैं आप लोगों को पोयम दिखा देना चाहता हूँ। जिसके राइटर है रॉबर्ट लुईस स्टेवेंसन। मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के बारे में बता देना चाहता हूँ। आई विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स सी एंड राइट, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्यूक एंड वेल एक्सेप्ट देम, दे आर एज मेड एज दे कैन बी। हु इज वी इन दिस लाइन, इसमें वी कौन है। इन दिस लाइन वी इज रेफरिंग ऑल थ्री किड्स हु प्रिटेंड एज अ पायरेट देम सेल्व। हु आर दे ट्राइंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम, दे आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट देम सेल्व फ्रॉम अ स्क्वाड्रन नोब ऑफ पुलिस। वेयर डू दे एक्सेप्ट टू, दे एक्सेप्ट देम सेल्व फ्रॉम विकेट इज द हार्बर एंड द गार्डन एज द सोर इज नीरो। हमारे अगले बी में आते हैं आंसर दीज क्वेश्चन। व्हाट इज द बोट मेड फॉर, द बोट इज मेड ऑफ वुड एज अ बास्केट। विच प्लेसेस डज द पोएट रेफर इन दिस पोयम। अफ्रीका, बुबलाइन एंड मालाबार आर बींग रेफर्ड बाई पोएट इन दिस पोयम। Which words in the poem tell us that the ride is not real? Winds are in the air, they are blowing in the spring, and waves are on the meadow like the waves there are at sea tell us that the ride is not real, it is an imagination. What is the harbor and what is the shore? The answer is, the vigor is the harbor and the garden is the shore in this poem. और लास्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन इन द पोएम लाइक टू इमेजिन थिंग्स, डू यू थिंक इट इज अ गुड क्वालिटी टू हैव। अरे इसका आंसर तो बहुत अच्छी है, यस इट इज अ गुड क्वालिटी टू इमेजिन द थिंग्स विच कैन मेक किड्स क्रिएटिव, दे आर एबल टू यूज देयर सेंस ऑफ ह्यूमर और आइडियाज टू डेवलप एंड क्रिएट न्यू थिंग्स, बट समटाइम्स इट कैन ट्रैप।